हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास टेंथ मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है द्विघात समीकरण का प्रश्नावली, हम 4.2 के क्वेश्चन 4, 5 और 6 को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। इसके पहले हमने इस प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन करा रखा है, अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इजिली विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला जा रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका क्या है, आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को पता चल जाएगा। तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखना है, उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना पहला धनात्मक पूर्णांक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक आप कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे x मान लिया है, ठीक। अब चूंकि अगला क्रमागत, दो क्रमागत पूर्णांक मानना है, क्रम से मानना है, तो एक अगर x मान लिए तो अगला क्रमागत पूर्णांक क्या होगा, धनात्मक लेना है तो x प्लस 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। ये बोल रहा है कि जिनके वर्गों का योगफल, जिनके वर्गों का योगफल मतलब इनके वर्गों का योगफल, x के वर्ग का योगफल और प्लस x प्लस 1 के वर्ग का योगफल आपस में जब जोड़ोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 365 के बराबर हो जाएगा, ठीक। अब हम इसको बारी बारी से हल करेंगे, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में एक्सपेंड किया जाएगा, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा और इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ax, यानी कि 2 × a 1 × x हो जाएगा, यानी कि 2x हो जाएगा, बराबर 365। अब हम करेंगे क्या, ये क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में यहाँ पे 2x हो जाएगा और इसको इधर लाओ और क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 365 में से प्लस 1 ये घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 364 बराबर 0। अब 2 से डिवाइड कर दो दोनों पक्षों में, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, 182 बराबर 0। अब 182 गुणनखंड इस तरीके से करना है कि जोड़ने घटाने पे 1 आ जाए। तो क्या करेंगे, हम 13 और 14 का यहाँ पे गुणांक लेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अब इसमें यहाँ पे आप x कामन ले लो तो क्या हो जाएगा, x कामन लोगे तो x प्लस 14 यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ पे माइनस 13 कामन ले लोगे तो यहाँ पे x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 14 बच जाएगा बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 14 कामन है तो यहाँ पे क्या कर लोगे, x प्लस 14 एक में लिख लेंगे और एक में क्या लिखेंगे, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से चूंकि आपका समीकरण कैसा है, द्विघात टाइप का है, तो x के दो मान आएंगे। सबसे पहले यहाँ पे x प्लस 14 बराबर 0 करोगे तो x बराबर यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 14। अगेन इसी प्रकार हम क्या करेंगे, एक बार इसको 0 कर लेंगे, x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर यहाँ पे 13 आ जाएगा। तो चूंकि आपके पास दो संख्याएं आ गई, एक 14 आ गया और एक यहाँ पे 13, तो 14 क्या है, निगेटिव है, तो आपको कैसा लेना है, धनात्मक लेना है। हमने क्या माना है, धनात्मक पूर्णांक, तो x का मान यहाँ पे क्या रखेंगे, 13।
इस तरीके से जो पहला धनात्मक पूर्णांक होगा वो होगा 13, और जो अगला होगा x प्लस वन, यानी कि क्या होगा 13 प्लस वन बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 14। इस तरीके से हमारे पास आंसर आ जाएंगे, एक होगा 13, एक होगा 14। समझ गए? तो चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज कैसा है, समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो हम इसमें क्या मानेंगे, मान लेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार x है। सबसे पहले आप आधार मान लो, तब उसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, x माइनस सेवन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x माइनस सेवन। फिर उसका यहाँ पे कोण दिया है 13, और यहाँ पे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा के इसको हल करेंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से हल किया जाएगा, ठीक ना। एक कदम ध्यान से देखना, पूरा समझ में आएगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना समकोण त्रिभुज का आधार किसका, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक ना, त्रिभुज का आधार आप मान लो x सेंटीमीटर, ठीक। अब इसकी समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई किसकी, तो समकोण त्रिभुज की कितनी हो जाएगी, x माइनस सेवन सेंटीमीटर दिया है, और इसका कर्ण दिया है कितना, कर्ण दे रखा है कितना, तो 13 सेंटीमीटर, ठीक। अन्य दो भुजाएं निकालना है, तो आप जानते हैं देखो ऐसा समकोण त्रिभुज बनता है, ठीक। अब ये बोल रहे हैं इसका आधार x है, और ये जो इसकी ऊंचाई है कितनी है, x माइनस सेवन, और इसे कर्ण दे रखा है कितना, 13। तो आप जानते हो सभी लोग कि जो समकोण त्रिभुज होता है, मान लो ABC यहाँ पे समकोण है 90 डिग्री का है, तो कोण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। हम यहाँ पे क्या करेंगे भैया, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, विधिवत तरीके से लिखना है, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लंब का या ऊंचाई का स्क्वायर, ठीक। समझ गए, यही लंब होता है। अब यहाँ पे देखो कर्ण कितना दे रखा है, 13 का स्क्वायर बराबर आधार, यानी कितना दे रखा है, आधार x, तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना दे रखा है, ऊंचाई, मतलब x माइनस सेवन का स्क्वायर। हल कर लेते हैं, क्या निकल के आएगा, 13 का स्क्वायर मतलब छोड़ दो ऐसे ही, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको ए माइनस बी को स्क्वायर पर तोड़ो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 2ab यानी कि 14x। अब ये जो 13 का स्क्वायर होगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 169, इसको एक बार और कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, प्लस 49, और ये हो जाएगा 169 के बराबर। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, करके देखते हैं क्या निकल के आएगा, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x² माइनस 14x, अब इसको इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा, तो 169 में से 49 घटेगा तो कितना निकल के आएगा, 120, तो माइनस का 120 हो जाएगा, और ये बराबर 0 के बराबर हो जाएगा। ये अब कितना हो गया, 2x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इसमें दो कामन लेंगे, दो कामन लोगे तो कितना बच जाएगा, तो आपका बचेगा x² कितना बचेगा, x² माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, इतना बच जाएगा ना। अब हम करेंगे क्या, इस 7x को ब्रेक करेंगे, किस फॉर्म में, मतलब ऐसा करेंगे कि जोड़ के या घटा के आपका 7 आ जाए और गुणा करके 60 आ जाए, तो इसको हम 12 और 5 में ब्रेक कर देंगे, x² माइनस 12x प्लस
फाइव एक्स माइनस सिक्सटी बराबर जीरो। अब यहाँ पे x का मान ले लो, तो x का मान लोगे तो x माइनस बारह बचेगा, इसमें प्लस पाँच का मान ले लो तो x माइनस बारह बचेगा बराबर जीरो। तो क्या हो जाएगा, एक में हो जाएगा x माइनस बारह और एक में हो जाएगा x प्लस फाइव बराबर जीरो। तो अब देखो ये इसको एक बार जीरो करते हैं तो x माइनस बारह बराबर जीरो, एक्स बराबर क्या आ जाएगा बारह सेंटीमीटर। और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, निगलिजिबल हो जाएगा, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की जो भुजाएं होती है निगेटिव नहीं आती है, ठीक ना। इस तरीके से हमारा एक्स का मान बारह आ गया। अब हमने माना क्या था, आधार, आधार यहाँ से बारह आ गया। अब यहाँ हमको ऊँचाई भी निकालना है, ऊँचाई कितना हो जाएगा भाई, तो बारह में से सात घटा दो कितना आ जाएगा पाँच सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारी ऊँचाई जो होगी पाँच सेंटीमीटर और जो आधार होगा वो बारह सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक। अब हम अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है, जो इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक ना। क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक थी। यदि उस दिन की लागत निर्माण 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है, इसको देखते हैं किस माध्यम से हल करेंगे, ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये मानेंगे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, सबसे पहले हम बर्तनों की संख्या मानेंगे, उसके बाद हमको यहाँ पे ऑटोमेटिक नग की लागत समझ में आ जाएगा कितना निर्माण करने में लगा था। यहाँ पे दिया है दोगुने के तीन अधिक थी, तो सबसे पहले हम निर्मित बर्तनों की संख्या मानते हैं यहाँ पे, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले ये आपका छठा नंबर क्वेश्चन हो गया, क्या मानेंगे कि माना उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, माना अब मान लो x, अब यहाँ पे निर्माण प्रत्येक नग की निर्माण लागत यहाँ पे दिया गया है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना दिया है दोगुने से तीन अधिक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितना दिया है भाई, इसके बर्तनों की संख्या के दोगुने से तीन अधिक है, तीन अधिक मतलब तीन जोड़ दो, ठीक ना, इतना। अब हमको ये पता चला कि यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत, कुल टोटल खर्चा कितना है 90 रुपया, मतलब इसको और इसको आपस में जब गुणा कराओगे तब ना 90 रुपया आएगा, तो हमें लागत दिया है 90 रुपया, तो यानी कि हम गुणा करा देंगे एक्स में टू एक्स प्लस तीन से, तब हमको ये 90 रुपया मिलेगा, ठीक। अब गुणा करा के देखते हैं क्या निकल जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स बराबर 90, ठीक। अब इसको क्या करो, 90 को इधर ला दो, क्या हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो। अब देखो गुणा करके कितना लाना है भाई, 180, और जोड़ किए घटा के तीन लाना है, तो हम ये देखते हैं कि 12 और 15 का कॉम्बिनेशन देखते हैं, 12 और 15 का, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 15x और माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि जब आप 15 में से 12 घटाओगे तो 3x आ जाएगा, 15-12 गुणनफल 180 होता ही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे भाई, इसमें से x कॉमन ले लेंगे, क्या करेंगे x कॉमन लेंगे, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 15, इसमें से क्या करेंगे 6 कॉमन लेंगे, हाँ 6 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा 2x प्लस 15 सेकंड 90 बराबर जीरो। एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा 2x प्लस 15, एक क्वेश्चन में क्या आ जाएगा x माइनस 6 बराबर जीरो।
इसको देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 बराबर 0, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 15 बटा 2। चूँकि ये निर्मित बर्तनों की संख्या है, बर्तन की संख्या निगेटिव नहीं होती है भाई, तो हम क्या करेंगे अगेन इसको ले लेंगे x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। ये बढ़िया बात है, बर्तनों की संख्या 6 निकल के आ गई। आपको निकालना क्या है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत में निकालना है। इस प्रकार हमारे पास बर्तनों की संख्या कितनी निकल गई, 6, और उसकी प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी निकल के आएगी, इसमें पुट कर दो निर्माण लागत 2x प्लस 3, यानी कि 2 इंटू 6 प्लस 3, 2 × 6 = 12 प्लस 3 कितना निकल के आएगा, 15 रुपया। कितना, तो निर्माण लागत किसकी, नग की। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं इसका प्रश्नावली 4.3 ला सकूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।